There he is. Hello, doctor. Hello, hello everyone. Namaskar. क्या हाल है? कैसे हैं दोस्तों? सब आपके इंतजार में है यहाँ पर और आज हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं डॉक्टर. सो हाउ वाज योर वीक? वीक वाज बिजी. ओके सो डॉक्टर मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि डॉक्टर्स की छुट्टी कब होती है? ऑन वीकेंड्स या ड्यूरिंग द वीक? एक छुट्टी तो ले पाते हैं आप? वेरी गुड जोक. डॉक्टर्स की छुट्टी सिर्फ तब होती है जब डॉक्टर चाहता है. ओके छुट्टी लेना चाहता है तो छुट्टी होती है, वरना कोई छुट्टी नहीं होती है. ओके सो हम डॉक्टर आप हमेशा विटामिन डी की बात करते हैं, हम हमेशा सनलाइट की बात करते हैं और विटामिन डी के इंजेक्शंस की या दवाइयों की बात करते हैं. आज हम विटामिन डी के एक और जो इफेक्ट है या धूप का जो इफेक्ट है उसकी हम बात करने वाले हैं. तो धूप के इफेक्ट की वजह से कई बार आपके चेहरे पे दाग हो जाते हैं और इसके लिए सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है. और अब जब धूप तेज होने वाली है हर जगह वहां पर तो ऐसे समय में सनस्क्रीन बिकम्स एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट. बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन ओरल सनस्क्रीन. व्हाट एग्जैक्टली इज दैट डॉक्टर? ओरल सनस्क्रीन ये सिर्फ एक मान लीजिए इट्स नॉट रियली अ सनस्क्रीन. ठीक है कि आप ऐसी मेडिकेशंस आती हैं जो आपके बॉडी के अंदर सिर्फ ये चीजें धूप के वजह से जो ये मतलब डैमेज जो होता है धूप के वजह से डैमेज होता है उससे प्रोटेक्ट करती हैं बस. और कोई ऐसे ओरल सनस्क्रीन का मतलब ये नहीं है कि आप कोई वो लगा के धूप में जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा. समझे? इट्स काइंड ऑफ इट्स यू कैन से नॉट रियली अ बिग सक्सेस. ठीक है ओके इट्स स्टिल अंडर रिसर्च कह लीजिए. कुछ लोगों ने अपने तरफ से कोशिश करी कि ओरल सनस्क्रीन बनाते हैं और उसमें कुछ विटामिन कुछ न्यूट्रिएंट्स कुछ ऐसी चीजें डाली जैसे सिर्फ इसमें इट्स नॉट रियली यू नो वेरी गुड फॉर प्रोटेक्शन. एक्चुअली सनस्क्रीन का जो काम होता है वो कैसा होता है पहले वो समझते हैं. सनस्क्रीन बेसिकली यूवी जो रेज होती है. अच्छा वो स्लो है. इसकी वॉइस लो है भाई. अभी ठीक है वॉइस कि मैं ब्लूटूथ चालू करूं. वॉइस चेकिंग. नो राइट वॉइस तो ठीक है भाई. यहाँ पर मुझे भी ठीक आ रही है डॉक्टर. हाँ तो जे राजन ने भी कह दिया है कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. परफेक्ट. हाँ ठीक है. हाँ. तो राइट सो देखो ऐसा होता है ना. इशू क्या है लोगों ने क्या किया. यस डॉक्टर. सो सनस्क्रीन यूवी रेज अल्ट्रावायलेट रेज होती है यूवी ए यूवी बी. तो यूवी ए यूवी बी जो लाइट है वो आपकी स्किन में जब पेनिट्रेट करती है तो वो स्किन के अंदर जाके लिटरली डैमेज करती है. वो जो डैमेज है उस डैमेज से बचाने के लिए और थोड़ी बहुत तो चाहिए भी बिकॉज आपका वो विटामिन डी भी बनाती है लेकिन वो एक लेवल के बाद डैमेज करती है. डैमेज से बचाना इन द सेंस उसमें मेलानिन ज्यादा आएगा बर्न हो सकती है. उस सब से बचाने के लिए कोशिश होती है कि आप सनस्क्रीन लगाइए. इशू क्या है सनस्क्रीन इज जस्ट लाइक अ लेयर ऑफ क्रीम. लेयर ऑफ क्रीम विच जो ब्लॉक कर देती है यूवी ए यूवी बी लाइट को अंदर जाने के लिए ब्लॉक कर देती है. अब राइट इस ब्लॉकिंग के वजह से क्या होता है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. मगर ये तब तक काम करेगी जब तक वो ऊपर है. अगर आपके पानी से धुल गया या उसको ऐसे निकाल या इवन वो 4 घंटे 2 या 4 घंटे बल्कि 4 तो ज्यादा बोलते 2 घंटे बाद खत्म हो जाता है उसका इफेक्ट. तो 2 घंटे बाद कायदे से बोला जाता है कि अगर आप धूप में हैं तो आपको लगातार 2-2 घंटे में सनस्क्रीन जैसे मान लो आप गोवा जा रहे हो. आप गोवा में बीच में बैठे हो जय माता दी लेट्स रॉक खेल रहे हो कि भाई ये देख रहे हो वो देख रहे हो और फिर आप वहां आपने देखा होगा लोग तो लिटरली सनस्क्रीन लगाते रहते हैं बस हाँ. फिर थोड़ी बार ले तू लगा ले बांटते रहते हैं. तो दैट इज अ कॉमन प्रैक्टिस देयर. दैट इज बिकॉज हर 2-2 घंटे में उसका लिटरली इफेक्ट खत्म हो जाता है. तो so, वो okay. नहीं लगाएंगे तो यू गेट बर्न्ड. ठीक है. राइट. ऑन दी अदर हैंड देयर इज अनदर प्रॉब्लम. अगर है तो टेक्निकली देयर इज नो यूज इन सिटिंग इन द सन. ठीक है. राइट. फायदा नहीं है. राइट. यू आर नॉट गेटिंग एनी विटामिन फ्रॉम देयर. एब्सोल्युटली. या यू आर इनफैक्ट ब्लॉकिंग द सन. हाँ. सो तुम्हारा मिलत नहीं, तुमको कुछ मिल नहीं रहा. सो होता है. देयर शुड बी अ बैलेंस इन दैट वे. तो क्या है, मैं लिटरली सनस्क्रीन नहीं लगाता हूँ. ठीक है. ऑल्सो इन अ नॉर्मल रूटीन डेली स्किन केयर रूटीन सनस्क्रीन जरूरी है. पर शर्त है कि आप धूप में जाते हो. हम धूप में जाते नहीं. हम सुबह अगर घर से बाहर निकलते हैं तो सुबह सुबह कार में बैठने के लिए 5 मिनट की धूप होती है. 5 मिनट में कार में बैठ जाते हैं. उतनी धूप वो भी इतनी जगहों पे लग रही है. लगने तो थोड़ी सी, तो थोड़ा सा तो विटामिन डी चाहिए है ना. उसमें भी हम सनस्क्रीन लगा के जाएंगे तो फायदा क्या. अगर आपकी स्किन ओवर सेंसिटिव है, काले काले दाग आ रहे हैं, मेलास्मा है, तब लगाओ, तब तो समझ में. या फिर सनस्क्रीन जेल लगाइए. जेल गुड वे ऑफ प्रोटेक्टिंग इफ यू आर लाइक दैट. तो कुछ लोगों को बहुत कंपलसरी है, ज्यादातर लोगों को जरूरत नहीं है. मगर एक स्किन केयर रूटीन में इफ यू आर गोइंग आउट इन द सन, इफ यू आर वॉकिंग, जैसे लोग रहते हैं कई देर वॉक, 15 मिनट 20 मिनट की वॉक है. सो इफ इट इज आफ्टर 11, 10 बजे के बाद है, 11 बजे के बाद है, तो वो बहुत खतरनाक हो सकती है. वो फिर 10-15 मिनट में आपका जला भी सकती है धूप में. सो बर्न आ सकते हैं, काले धब्बे आ सकते हैं. अगर एक दिन में नहीं आता है तो इसी को इनटू महीना कर दीजिए. 1 मंथ आप रोज चल रहे हो तो 1 मंथ के बाद देखो यार ये क्या है, ये क्यों काला था, ये क्यों ऐसा. तो दैट हैपेंस. सो सन इज अ वेरी डेंजरस. इट्स लाइक प्लेइंग विद द फायर. चाहिए पकेगा और है ना, नहीं तो वो चीज. इट्स लाइक प्लेइंग विद फायर. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन एंड वेयर टू यूज इट. सो सनस्क्रीन की बातचीत समझ में आ गई कि सनस्क्रीन लगाना है. और आजकल वाटरप्रूफ सनस्क्रीन भी आती है. वाटरप्रूफ सनस्क्रीन जो है वो 2 घंटे की जगह 3 घंटे चलती है, लेकिन वो चलती भी उतनी है. ठीक है. और ऐसा वाटरप्रूफ बोलते हैं, पर ऐसा कुछ वाटरप्रूफ नहीं है कि वो लगा के नहा लोगे तो फिर भी लगी रहेगी कुछ. हाँ, तेल लगा के निकालना पड़ेगा उसको. तेल लगा के चलो कोई नहीं. सो क्या था? होली आ रही है सर, होली वाले इफेक्ट में हूँ मैं. अच्छा. हाँ डॉक्टर. हाँ. तो ओरल सनस्क्रीन जो है, हाँ, ओरल सनस्क्रीन में ऐसा है ना, ये देखा लोगों ने कि यार ये तो फिर धूप से बचना तो बहुत पॉसिबल नहीं है. खासकर उन लोगों के लिए, मान लो आप मैराथन रनर हो, मान लो आप एथलीट हो. भाई हमको तो धूप में ही भागना है ना. हम तो धूप में भाग रहे हैं. अब भागते भागते हम भाग रहे हैं, हमको 8 घंटे भागना है मैराथन, है ना. उसमें रुक के सनस्क्रीन थोड़ी लगाऊंगा. तो वो ठीक है कि यार देखो रेस मेरा जलना नहीं चाहिए. ठीक है. तो एथलीट्स के लिए फिर उन्होंने क्या बोला. और खासकर जो लोग, मान लीजिए अगर आप टेनिस भी खेल रहे हो, लॉन टेनिस खेल रहे हो, ठीक है, और आप खेलते खेलते आपने सनस्क्रीन लगा खेले, यहाँ ऐसे मोटा 2-2 लगा लिया लाइन, वो भी सनस्क्रीन ही होती है. वो जो ऐसे लगाते हैं ना जो क्रिकेटर, ये वो सनस्क्रीन होती है. मान लो अगर 2 मिनट में धूप में आप पसीना ऑटो पे लगा लेते हैं. हाँ, वो लगाते हैं, ऑटो पे लगा लेते हैं, मर्जी उनकी, जैसा उनकी. तो वो क्या होता है, 2 पसीना आ गया, 1 घंटा हो गया पसीने में, 2 घंटे में निकलने वाली 1 घंटे में निकल गई. आप क्या बोलोगे, स्टॉप, अगला ओवर नहीं होगा, मैं लगा के आऊंगा, ऐसे थोड़ी होता है. तो ऐसे लोगों के लिए नहीं कर सकते. तो उन्होंने सोचा चलो ऐसी गोली निकाल लेते हैं कि आप सिर्फ गोली खा लो और आप जवैया बच जाओगे धूप से. सो टेक्निकली स्पीकिंग इट्स अ ट्राई, इट्स समथिंग जो लोग ट्राई करते हैं, बट दैट इज नॉट एज गुड एज द सनस्क्रीन. पहली बात तो ये, दे कैन नॉट रिप्लेस. आपको सनस्क्रीन भी लगानी पड़ेगी, गोली भी खानी पड़ेगी. तो ये डेली बेसिस पे आप नहीं कर सकते. मगर अगर आप कह लीजिए सनस्क्रीन के साथ इस गोली को इस्तेमाल करते हैं तो ये गोली आपके जो सन से स्किन डैमेज होता है उससे बचाएगी, बेसिकली उससे आपके स्किन को बचाती है। सो हर चीज जो स्किन के लिए, हेल्थ के लिए जरूरी है गोली में डाल दिया, विटामिन ए, विटामिन वो, विटामिन ये, विटामिन वो, है ना, हर वो चीज उसमें डाल दिया। नेचुरल चीजें ढूंढी कि ये भी एक है जो नेचुरल है, वो भी डाल दो। सो ये सारी चीजें हैं जो बेसिकली इसमें आता है। और इंग्रेडिएंट वाइज क्या है, देखो अल्टीमेटली ऐसे बहुत सारे नए नए चीजें चल रही है, निकल रही है। विटामिन्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो उसके मेन इंग्रेडिएंट है, और कोई खास खतरनाक चीज नहीं है। मेनली क्या होता है, धूप से आपके स्किन के अंदर फ्री रेडिकल्स जनरेट हो सकते हैं, तो फ्री रेडिकल से बचाने के लिए कौन बचाएगा, यही बचाएगा। मान लो अगर आप क्या होता है, कई बार क्या करते हैं लोग, एक विटामिन अलग से लेते हैं, एक सनस्क्रीन अलग से, वो विटामिन वाला सनस्क्रीन भी ले रहे हैं और फिर उसके बाद ऐसी प्रोटीन पाउडर भी ले रहे हैं जिसमें विटामिन भी है। तो ऐसा विटामिन बहुत विटामिन है, तो उतने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर टेकिंग अ मल्टीविटामिन विद दैट काइंड ऑफ अ थिंग, एक स्किन के लिए अलग से विटामिन आता है, फॉली हेयर वाला आता है, बायोटीन है, आयरन है, सेलेनियम है, अपने विटामिन ई है, विटामिन ए है। सो दोज थिंग्स वी नो दे आर गुड फॉर द स्किन। इफ यू आर डेफिशिएंट, नंबर वन, स्किन हील स्लो होगी। विटामिन सी है, अगर आपकी स्किन हील स्लो होगी, छोटा सा डैमेज है, उसको हील होने के लिए ये मान लो 4 दिन लगते हैं, अब आपको 1 महीना लग रहा है, तो क्या होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी स्किन जल्दी डैमेज होगी, मेलास्मा जल्दी आएगा, काले निशान आ जाएंगे, धब्बे आने का, काला काला दिखने लगेगा, ये क्या हो रहा है। मान लो आप पानी कम पी रहे हो, पानी कम पी रहे हो तो स्किन में डिहाइड्रेटेड है, वो डिहाइड्रेटेड है, कहने का मतलब है कि इंडिया है कि पैसे बहुत है और हर प्रकार की सहूलियत है, मगर गांव खेड़े में नहीं पहुंच रही, क्योंकि वहां तक लाइन्स ही नहीं है, वहां तक सप्लाई ही नहीं है, पानी नहीं है, आपके स्किन तक, आपके हेयर तक न्यूट्रिशन ही नहीं पहुंच रहा। आप कितने मर्जी विटामिन ले लो अगर आप पानी नहीं ले रहे, राइट। सो इंडिया वाला हाल हो जाता है कि शहर ठीक है, गांव जय माता दी, वैसा है। तो अगर आप मैं वो बेसिक नहीं है तो फिर ये गोली वाली कुछ नहीं कर सकती। बट या इट इज अ प्रॉमिसिंग थिंग, बिकॉज प्रॉमिसिंग थिंग फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल, जो लोग एथलीट है, जो लोग ये हैं जिनको ऑलरेडी लग रहा है कि स्किन बर्न हो रही है, तो क्या होता है, ये फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उनको वही गोलियां देता है, देता है कि एक काम करो ये ग्लूटाथ्योन की क्रीम लगाओ, एक काम करो विटामिन ई खाओ, एक काम करो ये खाओ, अरे हाँ अब मैं ठीक हो गया, ये बोलते पहले से खाओ। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं पहले से खा लो तुम्हारी जलेगी ही नहीं। सो दैट्स हाउ इट इज अबाउट द स्किन क्रीम एंड व्हाटएवर यू कॉल इट। सो देयर इज नो मैजिक हियर, ओरल सनस्क्रीन, और इसको हम मेरे हिसाब से अंडरस्टैंड द सन एज यू अंडरस्टैंड योर फायर, ठीक है, एंड यूज इट प्रॉपरली एंड लुक एट योर सेल्फ। मेरे हिसाब से लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर एंड अंडर, एक चीज होती है ना, यू शुड हैव इनसाइट होनी चाहिए कि अगर आप अपने शरीर को देखो, ठीक है, उसमें अगर आप देख रहे हो कि ये ड्राई है, ये स्किन ड्राई है, या इवन इफ इट इज नॉट अबाउट द स्किन, अगर आप देख रहे हो कि यार ये तो बहुत सारी चर्बी है, अति चर्बी तो हाथ में ही नहीं आ रही, सो देन देयर इज सम इशू, मे बी चर्बी ज्यादा है, मे बी ड्राई स्किन है, मे बी बाल बहुत कम है, मे बी बाल बहुत ज्यादा है, मे बी देयर इज सम इशू। उस इशू को समझने की कोशिश करना इज लाइफ। इफ यू डोंट रियली राइट, अगर आप अपने आप को नहीं समझ रहे सो कोई फायदा नहीं है आपका जी के, मतलब पैसे कमा के क्या करोगे, अगर अल्टीमेटली आपको जीना सिखाए आपका डॉक्टर, वो भी सिखाएगा नहीं। दुनिया में ऐसे डॉक्टर, इंडिया में तो नहीं है जो आपको ज्ञान दे, बहुत सारे तो नहीं है, कुछ लोग हैं। तो अल्टीमेटली ओके डॉक्टर, थैंक यू फॉर बीइंग वन ऑफ दीज डॉक्टर्स फॉर हेल्पिंग अस आउट। सीरियसली डॉक्टर, कई बार स्पिरिचुअल बातें करते हैं ना, तो ही बिकम्स अ लाइफ कोच एंड आई लाइक दैट। तो मैं मतलब देखो, पॉइंट इज वेरी सिंपल ना, हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि लोग जो हैं, मतलब कई बार ये हो जाता है कि लोग, डॉक्टर क्या चाहता है, डॉक्टर चाहता है ये पेशेंट मेरे पास बार बार आए, ठीक है। सो दैट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट ही गलत है, वो लूटने वाला कॉन्सेप्ट है। हर बार आके वो कम से कम 1000 रुपए दे के जाए, 500 रुपए की फीस दे, 500 रुपए की दवा ले, फिर हमारे से टेस्ट कराएं, टेस्ट रिजल्ट मिले तो इससे हमारे पैसे बनते जाएं. अल्टीमेटली डॉक्टर का कंसंट्रेशन उधर होता है. इंस्टेड ऑफ दैट द कंसंट्रेशन शुड बी कि ये प्रॉब्लम इसकी सॉल्व हो जाए और ये 4 पेशेंट और भेजिए. सो दैट इज हाउ इट शुड बी. अनफॉर्चुनेटली इट विल टेक बहुत मेहनत और हेल्थ लिटरेसी. अगर लोग जागरूक होंगे तभी ये हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है. समझे? ये एक टाइम था जब हम मान लीजिए अगर आप कोई चीज लेते हो, जैसे आप आज के डेट में आप मोबाइल लेते हो, आपको नॉलेज है कि भाई इसका मोबाइल लेंगे तो हमें फायदा होगा. आप फीचर्स देखोगे, आपको समझ है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना. कोई बेकार कंपनी का मोबाइल है तो आप वो खत्म हो जाएगी, वो कंपनी खत्म हो जाएगी. इफ इट इज नॉट परफॉर्मिंग वो चलेगी नहीं. ठीक है? बिल्कुल. तो बिल्कुल अब चाहे वो कोई इंटरनेट हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो नेटवर्क हो, अगर वो नेटवर्क अच्छा नहीं है तो वो आप छोड़ दो. इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि आपको वो नॉलेज हो गया है कि देयर आर कंपैरिजंस, राइट? दैट इज व्हाट इज नीडेड इन दिस मेडिकल फील्ड. पहला नॉलेज होना चाहिए कि बॉडी कैसे काम करती है, राइट? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है. बचपन से लोग बड़े होते हैं, स्कूल में सिखाते नहीं. स्कूल तो छोड़ो, कहीं नहीं सिखाते. सो दैट्स द ऑब्जेक्टिव. एवरीबडी शुड हैव हेल्थ लिटरेसी, राइट? एटलीस्ट इतना हो जितना बाहर के लोगों को है. आउटसाइड इंडिया पीपल आर मोर हेल्थ लिटरेट देन अस. हाँ, उनको और कुछ सीखना नहीं रह गया, मगर है. ठीक है? तो इंडिया के लोगों का बहुत बुरा हाल है, और जितने लोग अभी देख रहे हैं वो लोग फिर भी अच्छे लेवल पे हैं. कई लोग ऐसे हैं जिनको आज भी लगता है कि शुगर, फ्रूट खाने से, चुकंदर खाने से शुगर हो जाएगी. सो इट्स अ वेरी बैड एंड पैथेटिक वर्ल्ड आउट देयर. इवन जो पुराने डॉक्टर्स हैं, बल्कि कई नए डॉक्टर्स हैं जिनको इतना अभी वो आइडिया ही नहीं है कि न्यूट्रिशन कंपैरिजन नहीं पता है, एंड वही चीजें बोले जाते हैं. सो इट्स अ वेरी बैड, क्या बोले, कंफ्यूजन आउट देयर. ऐसे ओके. सो डॉक्टर, आपकी मतलब जितना मैं समझी हूँ इस ओरल सनस्क्रीन के बारे में, इसका कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है? भाई देखो, ऐसा है, ओरल सनस्क्रीन अब एक डाइट और न्यूट्रिशन के कैटेगरी में आ गया. ठीक है? अब इशू क्या है, ये एक ऐसी कैटेगरी है जो रेगुलेटेड नहीं है, और राइट. हाँ, और कहने के लिए हर नेचुरल चीज में कुछ ना कुछ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है. ठीक है? आप अपने किचन में मौजूद लाल मिर्ची निकालो, उसमें इतनी अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, तो एक चम्मच रोज ऐसा मुंह में डाल लिया करो. तो बिल्कुल मस्त, मतलब जल भी जाओगे वो अलग बात है, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट तो है ना. तो पॉइंट इज कि नेचुरल चीज सेफ हो जरूरी नहीं. बात समझे? तो नेचुरल चीज एंटीऑक्सीडेंट हो और सेफ हो ये जरूरी नहीं है. सो व्हाट हैपेंस कि इस एंगल पे बहुत रिसर्च की जरूरत है. मेरे पास कई बार लोग आते हैं, इवन आज एक पेशेंट का कॉल था कि सर फैट बर्नर लेना है, और ये फैट बर्नर ले रहा हूँ और वो फैट बर्नर लेता हूँ कि तो मैंने कहा भाई ऐसा है, फैट बर्नर क्यों लेना है तुम्हें? चुपचाप अपना डाइट करो, एक्सरसाइज करो, धीरे धीरे पतले हो, है ना? धीरे धीरे पतले हो. क्या है, वो कह रहा मैं पहले लिया था एक बार, बढ़िया, मैं 70 किलो का हो गया था, अब फिर मैंने छोड़ दिया और डाइट करा, अब मैं फिर 104 किलो का हो गया. मैंने कहा देखो, तुम्हारा ऑलरेडी तुम्हारे पास एग्जाम्पल है कि बाउंस बैक हो रहा है कि नहीं? तो इट्स लाइक अ कंपैरिजन के लिए हम बोले कि आप अपनी गाड़ी के पीछे नाइट्रिक ऑक्साइड का सिलेंडर लगा लेते हैं कि ऐसा है कुछ दिन तक मैं काम पे 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा 2 घंटे की जगह, कुछ दिनों तक मैं काम पे जल्दी पहुंच जाऊंगा और उसके बाद मैं ये छोड़ दूंगा. ऑल्दो उससे क्या एक्सीडेंट होने का खतरा है, ऑल्दो उससे क्या जल्दी पहुंच जाओगे, काम पे जल्दी पहुंच जाओगे, तुम थोड़े सक्सेसफुल हो जाओगे, मगर कब तक? मगर जिंदगी भर उसको खा नहीं सकते, क्योंकि वो कभी ना कभी तो एक्सीडेंट हो जाएगा. और जब तक चल रहा है उसके बाद छोड़ोगे, वापस स्लो हो जाओगे, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी ना. मैंने उसको समझाया, फिर भी वो सर ये वाला ना, पूरे जो फिल्म स्टार्स वाले वो यही लेते हैं और ये वाले यही लेते हैं, क्या ये सेफ है और क्या ये वो है? मैंने कहा देखो सेफ नहीं है, पर इसमें क्या हो जाता है, इन पे बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है. सो और प्लस क्या होता है, कुछ ऐसे प्री वर्कआउट्स होते हैं, कुछ ऐसे स्टिमुलेंट होते हैं जिनमें इतना कैफीन होता है, ग्रीन कॉफी के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जो 10-10 कॉफी के बराबर, आप 10 कॉफी एक साथ पी लो, स्ट्रॉन्ग कॉफी 10-10 कॉफी एक साथ पी लो, क्या होगा, नींद उड़ जाएगी, नींद नहीं आएगी, बौखलाए घूमोगे, क्या करे क्या करे। अब 10 लोग पियेंगे, 10 के 10 को ऐसा थोड़ी होगा, है कि बिल्कुल। अब कहने के लिए वो ऐसी चीज है जो कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं करेगी, किडनी लिवर डैमेज नहीं कर देगी, मगर कुछ तो साइड इफेक्ट होगा। सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड हिम कि इतना आसान नहीं है, एंड डोंट गो फॉर दीज हाई डोजेस। और जिम वाले क्या होता है, जिम वाले जो सप्लीमेंट्स लेते हैं वो हाई डोजेस में लेते हैं, उनको जल्दी रिजल्ट चाहिए, उनको सिर्फ रिजल्ट चाहिए, बट हमें जल्दी नहीं चाहिए। हमें क्या होता है, ये बात हमेशा याद रखिए, जब आप जल्दी पैसे कमाते हो तो वो जल्दी रहते नहीं है, कभी नहीं, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो कोई नाम कमाया हो, चाहे वो आपका यू नो ओहदा हो। अगर आपको डायरेक्ट किसी कंपनी का मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर बना दे ना, तो ज्यादा दिन नहीं टिकोगे ना कंपनी टिकेगी। लेकिन अगर वहां से छोटे लेवल से अगर आप ऊपर चढ़ के पहुंचे हो तो कंपनी भी आगे चलाओगे और खुद भी आगे बढ़ोगे। तो इट्स ऑल अबाउट दिस कि अगर आप स्लोली पतले हुए हो तो यू विल स्टे लाइक दैट। अगर आपने शॉर्टकट लेना है, देयर आर सम थिंग्स व्हिच यू कैन टेक जो थोड़ी सेफ हैं, मगर अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका प्लस और माइनस क्या है। दैट्स व्हाट आई डू। मेरे को कितने लोगों को समझाना पड़ता है ना, कई बार लोग आते हैं, सर एक बस स्टीरॉयड लेना है, सर बस अभी ये लेना है, सर बस अभी, भाई साहब आज जाओ अपने घर वालों से बात करो। राइट तो इसी को लेकर दरअसल राजा लहरे है यहाँ पर, वो कह रहे हैं प्लीज अपलोड मोर ऑफ जिम रिलेटेड टॉपिक्स, तो आपके वीडियोस शायद लोगों को और ज्यादा इस लिटरेसी के बारे में समझाएंगे। ही इज वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल पंजाबी इन द वर्ल्ड, व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट। दैट्स फॉर यू डॉक्टर। देखो नॉलेज इज समथिंग व्हिच वो मिलती रहती है, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट डॉट्स, इट्स ऑल अबाउट डॉट्स। और ये नॉलेज यहीं पे पड़ी है। अगर आप अपने घर में देखोगे ना, पंखा कैसे चलता है से लेके इलेक्ट्रिसिटी की तारें कहाँ है, देयर इज सो मच नॉलेज गोइंग ऑन अराउंड यू, इट्स अबाउट यू, अगर आप समझना चाहते हो। एंड दैट्स द ओनली थिंग व्हिच आई बिलीव इन माय लाइफ, ठीक है। जब मैंने शादी की थी ना, तो मैंने अपनी होने वाली उनका इंटरव्यू लिया था, और इंटरव्यू का एक ही मकसद था कि उनमें सीखने की चाह होनी चाहिए। दैट्स द ओनली थिंग व्हिच शुड स्टे विथ यू ऑल योर लाइफ। इफ यू डोंट वांट टू लर्न, ठीक है, आप प्रोग्रेस नहीं करोगे, डोंट मैटर हाउ इंटेलिजेंट यू आर और वॉट एवर यू आर, राइट। इफ यू वांट टू लर्न, ये कैसे काम करता है, वो कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, वो कैसे काम करता है, if you know that, if you have that value, that's it, right. That is the most important value in a human being in this life. वो मेरे को absolutely absolutely so even as a simple human being, चाहे आप घर पे हो चाहे कहीं पे भी हो, if you have the inquisitiveness, so I think in fact आपने ये कहा, आज ही my 7-year-old asked me कि मम्मा वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्यों है अमेरिका में, उसके पीछे की कहानी क्या है। एंड आई सेड कि अभी थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसके बारे में जितना मुझे पता है उसमें मैं पूरा पढ़ना चाहूंगी। एंड आई एम हैप्पी दैट यू कीप ऑन आस्किंग मी, सो दैट मुझे भी वो यू नो फिर से पढ़ने की चाह हो जाती है, या मुझे कोई ऐसी चीजें जो नहीं पता है, कभी ध्यान नहीं दी, उन चीजों को फिर से समझने में मुझे मदद मिलती है। Yes, so right now we are understanding sunscreen. J.R. Rajan है जो पूछ रहे हैं, सर what SPF sunscreen is better nowadays? मतलब गर्मी में कितना SPF होना चाहिए? हाँ, होता क्या है, ये एक ऐसी वैल्यू है जो मतलब बदलती रहेगी, जिंदगी भर बदलेगी, and it depends upon at what time of the day you are, right? At what time up है, it's a bloody variable thing, right? So क्या हो जाता है, लोग मेरे से यही पूछते हैं कि सर it's something like कि कितनी शक्कर की लिमिट कितनी है, चाय में कितनी शक्कर डालूं तब तो मेरे को शुगर नहीं होगी, मेरे को वो नहीं होगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर। अगर धूप में एकदम कड़ी धूप में जाते हो, कितनी भी सनस्क्रीन लगा लो आप बचोगे नहीं, ठीक है। तो एकदम गहरी धूप में जाते हो तो एकदम दोपहर की, खासकर महाराष्ट्र में चले जाना, महाराष्ट्र में नागपुर डिस्ट्रिक्ट, उसमें दोपहर में जाना, ऐसा दोपहर में करीब 1-2 बजे, उसमें 12-1 बजे, सारे के सारे लोग जो है ना ऐसा लिटरली बुरखे में होते हैं, ये भी कवर, ये भी कवर, ये भी कवर, ये भी कवर, एवरीथिंग कवर, और फिर स्कूटर में जा रहे हैं। तो उसमें तुम दुनिया की 100 वाली सनस्क्रीन ले आओ, SPF 100, 200, तुम फिर भी कवर करके जाओगे, बिकॉज वो कोई ऑप्शन नहीं है। सो दैट्स व्हाट आई मीन कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मिनिमम कुछ तो चाहिए, 15 तो चाहिए, 15, 30, ठीक है, 50 भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम विद द पीपल इज दे डोंट अंडरस्टैंड। वो क्या, उसने बोला 50 है, इसको एक बार लगा लिया, पूरे दिन तुमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर सुबह अगर तुम 9 बजे 10 बजे ऑफिस जाते हो, 9 बजे जाते हो, 9 से पहले 8 बजे, बच्चे अगर सुबह 6 बजे 7 बजे स्कूल जाते हैं तो उनको कोई सनस्क्रीन नहीं चाहिए। उनको चाहिए दोपहर में, जब वो दोपहर में 1-2 बजे बाहर जाके खेलते हैं, और तुम लगा के भेजोगे तो वो खत्म हो जाएगी, उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। सो टेक्निकली यू नीड नॉलेज, यू डोंट नीड SPF, ठीक है। सर डॉक्टर, मुझे तो किसी ने ये भी कहा था कि आप घर पे भी रहेंगे तो गर्मी के वक्त में तो स्पेशली घर पे भी आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए, ये इसमें कितना दम है? अगर आपको वो है, वो इशू है, वो बीमारी है, हाँ। उस बीमारी के लिए बिल्कुल लगाना पड़ जाता है। कभी कभी स्किन में वो चीज शुरू हो जाती है, फिर हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी प्रकार की इवन सन रेज जो होती है ना, ऐसा टोई ओई करके आएगी ना, वो अल्टीमेटली अगर आपके घर में आखिरी कमरे तक रोशनी आ रही है तो रेज ही आ रही है ना वो, और थोड़ी वो ऐसे लाइट ले रहा है सुबह और टॉर्च थोड़ी चालू करके बैठा है। सो वो कम है, वो कम रेज है। अगर आपको बीमारी है जो सन रेज के वजह से हुई है, सो दैट इज अ ट्रीटमेंट, दैट इज नॉट अ डेली रूटीन, ठीक है। सो वो उस केस में लगाना पड़ जाता है। ओके, सो डॉक्टर, अब जैसे मेरी स्किन है, इट्स वेरी सेंसिटिव, और मुझे ऑयली, बिकॉज इट्स ऑयली स्किन, तो सनस्क्रीन जैसी चीजें जो होती हैं वो मोस्टली ऑयली होती हैं, एंड जब आप बाहर जाते हो तो बहुत ज्यादा धूल चिपक जाती है, सो पिंपल्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मतलब स्किन और खराब हो जाती है ठीक होने की बजाय। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर पीपल लाइक अस? अगेन, ये ओरल सनस्क्रीन, इज इट अ बेटर ऑप्शन? नहीं, ओके, इट्स अ गुड ऑप्शन, सी यू हैव टू ट्राई। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने बीच में फिर सुना, क्या होता है, वी कैन नॉट जस्ट हर बार एक पर्सन की सुन के ना, हम हर एक इंसान को एजुकेट करने नहीं बैठ सकते, ठीक है। सो कुछ किया तो उसको 1 घंटा उसको समझाओ, फिर 1 घंटा उसको समझाओ, पागल थोड़ी हम। तो इट्स लाइक, सी देयर इज एन एक्सट्रैक्ट कॉल्ड curcumin। curcumin इज हल्दी का एक्सट्रैक्ट है, हल्दी का curcumin। सो curcumin खाते हैं तो एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत सारे एंटीबायोटिक भी है। तो कुछ लोग हैं जिनके पिंपल्स खत्म ही नहीं हो रहे, curcumin लेना शुरू कर दिया, 1 महीने 2 महीने में आने बंद हो गए। सो दैट सिर्फ curcumin ने किया है, मतलब एक ऑप्शन है वो एंटीऑक्सीडेंट curcumin। यू कुड हैव टेकन लाल मिर्च, यू कुड हैव टेकन अदर थिंग्स, राइट। आपको डिपेंड करता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऐसा क्या होता है, हर एक के लिए प्लान बनाना पड़ता है, एक माइल्ड एक्सफोलिएशन चाहिए कि भाई बॉडी में जो स्किन में पोर्स बंद हो रहे हैं वो क्लीन होने चाहिए। आपकी शक्ल अगर आपको दिख रहा है कि ये ऑयल है, अभी ये जो शाइन कर रहा है ये ऑयल है, सो मुझे दिख रहा है ऑयल, so I'll go and wipe it or wash my face or use something to, you know, something। So एक general idea skin care आपको आना चाहिए, वो important। ओके, सो डॉक्टर, चेहरे पे कई बार जो दाग होते हैं उसके अलग अलग कारण होते हैं। अभी आपने बताया मेलास्मा हो सकता है या हाइपरपिगमेंटेशन कुछ कहलाता है। इज इट ऑल द सेम और डज इट हैव डिफरेंट रीजंस फॉर, मतलब एक तो धूप हो सकती है और दूसरे बाकी बहुत सारे रीजन, स्ट्रेस वगैरह, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ वाटर, जैसे आपने कहा, ये सब भी हो सकता है, isn't it? All the things are always in the play, all the things are always in the play, and एक चीज डोमिनेट कर सकती है एक टाइम पे, that is always there, कोई ना कोई एक चीज डोमिनेट करेगी, बट एवरीथिंग इज इन द प्ले। ऐसा कुछ नहीं है कि स्किन सिर्फ धूप ने खराब करी है, ऐसा नहीं होता। दैट इज वन बिग डोमिनेंट फैक्टर माइट बी, मगर सिर्फ धूप ने खराब की कभी नहीं होता। इसलिए जो मेरे पास आते हैं स्किन केयर के लिए आते हैं ना, उनको एक गोली नहीं दी जाती, उनको फिर पूरा स्किन केयर दिया जाता है, डाइट दिया जाता है, उनको फिर ऐसा पोथा दिया जाता है कि ये पूरा फॉलो करना है, तब जाके वो ठीक होते हैं, ऐसे नहीं ठीक होते। Okay, all right doctor, we are over our time already, sorry, I just got carried away, and we are sorry, lots of questions were unanswered because today's topic was oral sunscreen. So agar aapko doctor ke sath judna hai, please get in touch with him tomorrow on